बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है कि मिनरल्स क्या होते हैं। ओवरव्यू लेना है जनरली तमाम मिनरल्स का कि डिफाइन कैसे करना है, उसकी टाइप्स क्या हैं और किन बेसिस पे हम मिनरल्स को डिवाइड करते हैं टू टाइप्स के ऊपर। व्हाट आर द अबंडेंट फूड सोर्सेज फ्रॉम विच वी ऑब्टेन द मिनरल्स। मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, वेयर इट इज डाइजेस्टेड और फ्री फ्रॉम द फूड और अवेलेबल एज अ मिनरल सॉल्ट। What are the factor in the metabolism that enhance the absorption of mineral? और वो कौन से factor हैं which inhibit the absorption of the minerals? Further, we generally discuss the function of the minerals in the body. Then, if the deficiency is exist, तो कौन से minerals हैं जिनकी deficiency होने के chances ज़्यादा होते हैं और toxicity किन की होती है। तो firstly, we are going to define कि minerals होते क्या हैं। Minerals are the essential ऐसे कंपाउंड जो कि बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन इट इज अ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं विच इज प्रेजेंट इन द फूड और रिक्वायर इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म द फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी। तो मिनरल्स आर द असेंशियल इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स नीडेड इन अ स्मॉल अमाउंट इन द डाइट फॉर द नॉर्मल फंक्शन। किस चीज के लिए चाहिए? नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए चाहिए। इसके बगैर डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। नॉर्मल बॉडी फंक्शन, देन ग्रोथ के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए। दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिनरल्स। मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टिश्यू। तो मिनरल्स आर द असेंशियल इन द ह्यूमन डाइट बिकॉज दे आर बेसिक एलिमेंट एंड दिस कैन नॉट बी सिंथिसाइज इन द बॉडी। बॉडी खुद इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और खुद प्रोड्यूस नहीं करेगी तो दैट्स मीन वी रिक्वायर टू टेक फ्रॉम द डाइट। इस कंसेप्ट के ऊपर मिनरल असेंशियल होंगे हमारे पास। सेकेंडली, वी डिवाइड द मिनरल्स इन द टू टाइप, मेजर मिनरल और ट्रेस मिनरल। मेजर मिनरल जो है हमारे पास, उनको जब डिवाइड करना है हमने, तो मेजर को मेजर मिनरल्स या कुछ लोग इसको मैक्रो मिनरल्स भी कहते हैं। सेकेंडली, वी हैव अदर टाइप, ट्रेस मिनरल। ट्रेस मिनरल या माइक्रो मिनरल। तो द डिवीजन ऑफ द मिनरल इज ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज है हमारे पास, बॉडी की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट्स कितनी है। तो डिवीजन इज बेस्ड ऑन द बॉडी रिक्वायरमेंट्स टू परफॉर्म द फंक्शन। सेकंड, द अमाउंट ऑफ द मिनरल्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। तो अक्रेंस कितनी है बॉडी में, अक्रेंस ऑफ मिनरल इनसाइड body। तो basically on these two points we divide the minerals के दो types हैं हमारे पास। एक आता है major minerals, second आता है हमारे पास micro mineral या trace mineral। The division are on the basis of these following point की requirements कितनी है और body को कितनी needs है। Basically दोनों का काम एक ही है कि physiological function perform करवाने के लिए। तो minerals are divided मतलब मेजर एंड द ट्रेस मिनरल्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट। अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट के अकॉर्डिंग हम इसको यूं डिस्क्राइब करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट नीडेड इन ईच डे। तो जनरली इफ वी रिक्वायर द मिनरल इन द लार्ज क्वांटिटी, अगर मिनरल्स हमें ज्यादा मकदार में चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में इफ वी रिक्वायर द मिनरल इन द लार्ज अमाउंट पर डे, पर डे के इनटेक में लार्ज इनटेक चाहिए, तो वो हमारे पास होगा मैक्रो या मेजर मिनरल। तो कितनी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, इफ वी रिक्वायर द 100 मिलीग्राम और मोर इन अ डे, तो इट्स कैटेगराइज इन द मेजर मिनरल्स। सेकंड, इन अदर हैंड, इफ वी कंसीडर द ट्रेस मिनरल्स और द माइक्रो मिनरल्स, मिनरल्स विच इज रिक्वायर्ड इन द स्मॉल क्वांटिटी, बहुत लिटिल अमाउंट में चाहिए। इफ द रिक्वायरमेंट इज लेस देन
100 मिलीग्राम पर डे इज नोन एज द ट्रेस मिनरल्स. तो इट इज द रेंज ऑन द बेसिस ऑफ नीड के बॉडी को कितनी जरूरत है इन मिनरल्स की, उसकी बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया, आया इट्स मेजर मिनरल और ट्रेस मिनरल. सेकेंड हमने डिस्कस किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ द अक्रेंस बॉडी में कितनी अमाउंट पाई जाती है फॉर द डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन कंपोजिशन में, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. तो मेजर मिनरल्स को ट्रेस मिनरल्स से अलग करने के लिए वी आर कंसीडरिंग द बॉडी कंपोजिशन ऑफ द मिनरल्स. अक्रेंस इन द बॉडी के अकॉर्डिंग जो हमारा सेकेंड पॉइंट था उसके अकॉर्डिंग मिनरल्स को जब डिवाइड करना है अगेन मेजर और माइनर मिनरल्स के अंदर, तो मैक्रो मिनरल्स कंटेंट इन द बॉडी रेंजिंग फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 35 ग्राम टू 1400 ग्राम. बॉडी के अंदर अगर हमने किसी मिनरल को देखना है कि आया वो मेजर है या ट्रेस है, तो बॉडी कॉम्पोजिशन में उस मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन देख लेंगे कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. लेट्स सपोज इफ वी हैव द कैल्शियम, तो अप्रोक्सीमेटली कैल्शियम जो है हमारी बॉडी के अंदर ओवरऑल 1200 से 1400 ग्राम्स में चाहिए होता है. ओके, तो इस रेंज के अंदर फॉल कर रहा है वो मिनरल बॉडी कंपोजिशन में, तो इट्स कंसिडर द मेजर मिनरल. ओके, इन द माइक्रो मिनरल और ट्रेस मिनरल द कंटेंट रेंज इज अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1 मिलीग्राम टू 4 ग्राम. अगर इस वाले रेंज के अंदर फॉल कर रहा है वो मिनरल, तो वो हमारे पास आ जाएगा ट्रेस मिनरल. लेट्स सपोज वी हैव द एग्जांपल ऑफ द कॉपर. कॉपर की जो बॉडी में कॉम्पोजिशन देखते हैं ह्यूमन बॉडी में, जो कॉपर प्रेजेंट है उसकी जो परसेंटेज है ग्राम्स में 0.12 ग्राम, इतना प्रेजेंट है. जबकि दूसरी तरफ हमने बात की थी कैल्शियम की, जो कैल्शियम है ये हमारे पास मेजर मिनरल की एग्जांपल आ गई. तो ऑन द बेसिस ऑफ द अक्रेंस दिस इज द रेंज, और ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड द नीड्स इफ द मेजर मिनरल इज रिक्वायर्ड ग्रेटर देन 100 मिलीग्राम और ट्रेस मिनरल लेस देन 100 मिलीग्राम. तो दोनों बेसिस पे हमने डिवाइड कर लिया कि मिनरल्स कितने टाइप्स के होते हैं. फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस द फूड सोर्सेस. इन रूटीन लाइफ अ हेल्दी इंडिविजुअल कंज्यूम द बैलेंस ऑफ द कम्प्लेक्स डाइट विच इज केम फ्रॉम बोथ प्लांट सोर्सेस एंड द एनिमल सोर्सेस. तो अगर कोई भी आप बैलेंस और कंप्लेक्स डाइट लेते हैं, तो इट इज केम फ्रॉम प्लांट रीजन और एनिमल. तो ऐसी डाइट जिसमें दोनों फूड सोर्सेज हों प्लांट और एनिमल्स के, इट्स प्रोवाइड द मिनरल इन द अबंडेंट अमाउंट. सम मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन द एनिमल बेस्ड फूड और आर द रिचेस्ट सोर्स एंड द बेस्ट बायो अवेलेबल. फॉर द अदर इंस्टेंट सम मिनरल्स आर अबंडेंटली प्रेजेंट इन द प्लांट, एक्सेसिव अमाउंट में बायो अवेलेबिलिटी होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर डेयरी प्रोडक्ट को देखा जाए, तो ऑल द डेयरी प्रोडक्ट डेयरी आइटम्स जो हैं, इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द कैल्शियम, और जो कैल्शियम विच इज प्रेजेंट इन द मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट इज हाईली बायो अवेलेबल. उसके साथ एनिमल रीजन में और हमारे पास आता है सोर्स मीट का. मीट इज अ रिचेस्ट सोर्स एंड द हाइएस्ट बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द आयरन. तो एनिमल बेस्ड अगर आप डाइट ले रहे हैं, तो इट्स प्रोवाइड कैल्शियम एंड आयरन और बोथ आर बायो अवेलेबल इन द एनिमल रीजन. इन द अदर हैंड इफ वी आर टेकिंग द प्लांट बेस्ड डाइट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द एनिमल फूड, तो प्लांट बेस के अपने अबंडेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे, लाइक पोटाशियम है, पोटाशियम, मैग्नीशियम, दीज आर प्रेजेंट इन द प्लांट बेस
फूड आइटम यहाँ अबंडेंटली प्रेजेंट होंगे, और यही मिनरल्स अगर हम लोग बात करें एनिमल रीजन में, इनकी बायो अवेलेबिलिटी एनिमल सोर्सेज में बहुत कम होगी। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे नॉन मिनरल्स कंपाउंड्स हैं जो कि पर्टिकुलरली प्लांट फूड आइटम्स में पाए जाते हैं, जो कि मिनरल्स की बायो अवेलेबिलिटी को कम कर देते हैं। अभी हमने बार बार जिक्र किया कि बायो अवेलेबिलिटी, तो कैल्शियम इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन डेयरी प्रोडक्ट। मतलब लाजमी नहीं है कैल्शियम सिर्फ दूध या दूध के बनी हुई चीजों से मिले, कैल्शियम हमें प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स में मिल सकता है, लेकिन कैल्शियम की बायो अवेलेबिलिटी डेयरी आइटम्स में ज्यादा होती है। इसी तरह आयरन जो सा है, हमें अबंडेंट सोर्स इसका मीट है, बट इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट बेस्ड फूड आइटम, लेकिन बायो अवेलेबिलिटी की बेस पे मीट इज द गुड सोर्स। तो वी आर डिस्कसिंग बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी होती क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी। बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट वी डिफाइन कि कौन सा मिनरल किस फूड आइटम में अबंडेंटली प्रेजेंट होगा। तो बायो अवेलेबिलिटी इज द डिग्री, अगर हम इसे डिफाइन करें, डिग्री टू विच द अमाउंट, डिग्री टू विच द अमाउंट ऑफ एन इंजेस्टेड न्यूट्रिएंट इज एब्सॉर्ब्ड एंड इज अवेलेबल इन द बॉडी एंड अवेलेबल इन बॉडी। बायो अवेलेबिलिटी को डिफाइन करना है तो द अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट जो आपने इंजेस्ट की थी फ्रॉम द एनी फूड सोर्सेज, द अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट व्हिच इज इंजेस्टेड फ्रॉम द एनी फूड सोर्सेज इज एब्सॉर्ब, कितनी एब्सॉर्ब हुई है, कितनी आपने इंजेस्ट की थी और बॉडी को कितना अवेलेबल हुआ है। ऑल दीज थिंग्स आर कंबाइंड एंड डिफाइन द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट। ओके, अब हम जिक्र करते हैं वो कौन से फैक्टर हैं जो कि इनको इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे बायो अवेलेबिलिटी को। तो फैक्टर विच कैन अफेक्ट द कॉन्सेंट्रेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द फूड, तो दे आर द मेनी फैक्टर। बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसके ऊपर, फूड की बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो इनको लिस्ट कर लें। बेसिकली एनी मिनरल विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट और द एनिमल रीजन, कितना मिनरल जो उसमें एब्जॉर्ब हुआ है और कितना स्टोर हुआ है, उसके लिस्ट हमारे पास ये है। सबसे पहले वी हैव द मिनरल कॉम्पोजिशन ऑफ द एनिमल फीड। जो भी हमने एनिमल्स अगर को एनिमल को फीड कर रहे हैं तो उनकी जो खुराक है उसके अंदर मिनरल्स की कॉम्पोजिशन क्या है। ओके, तो दीज आर द बैकग्राउंड कि जब फूड इज रेडी टू इंजेस्ट, तो जो फूड बना है उसकी हार्वेस्टिंग में, क्रॉपिंग में, प्रोडक्शन के अंदर जो हमने फीड दिया है, आया वो एनिमल्स को दिया है या प्लांट्स को दिया है, एनिमल्स और प्लांट्स फीड मिनरल कंपोजिशन। सेकंड, जो मेडिकेशन यूज की है एनिमल्स के लिए पर्टिकुलरली। थर्ड वन, द कंपोजिशन ऑफ द मिनरल इन द सॉइल एंड वाटर विच इज यूज टू फीड द प्लांट और एनिमल्स। देन मिनरल कंटेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिनरल्स किसके अंदर, जो आपने फर्टिलाइजर यूज किए हैं, फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड। दिस ऑल द थिंग्स आर इंटरलिंक्ड टू डिफाइन और एस्टेब्लिश द मिनरल कंटेंट इन फूड। द फैक्टर विच अफेक्ट द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स इन फूड, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो खुराक के अंदर मिनरल्स की बायो अवेलेबिलिटी को डिपेंड करते हैं। तो दीज आर द बेसिक फैक्टर, एनिमल्स और द प्लांट फीड, और उस फीड के अंदर मिनरल्स कंपोजिशन क्या है, मेडिकेशन विच इज यूज फॉर द एनिमल्स, सॉइल और वाटर कंटेंट,
ऑफ द मिनरल्स, मिनरल्स का कितना उसके अंदर प्रेजेंट है इन द फर्टिलाइजर इन द पेस्टिसाइड, और पर्टिकुलरली फूड मिनरल कंटेंट आल्सो इज अफेक्टेड बाय द फूड प्रोसेसिंग। ये तमाम चीजें तो हमारी एनिमल्स की प्रोडक्शन प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए यूज हो गई, लेकिन एट द एंड व्हेन द फूड इज रेडी टू कुक और इनटेक, तो फूड मिनरल कंटेंट, फूड के अंदर जो मिनरल कंटेंट है विच इज आल्सो अफेक्टेड बाय द फूड प्रोसेसिंग। कौन सा कुकिंग मेथड यूज किया गया है और प्रोसेसिंग की टेक्निक क्या थी, तो बेसिकली ये आपने जो कुकिंग मेथड इस्तेमाल किया और प्रोसेसिंग टेक्निक इज आल्सो कोरिलेट विद द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, के मिनरल्स कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है फूड के अंदर। यहां पे एक एग्जांपल दूंगी फूड प्रोसेसिंग की कि कैसे फूड प्रोसेसिंग लिंक करता है किसी भी मिनरल्स की कंसंट्रेशन के ऊपर। मोस्टली वी यूज द डिफरेंट कुकिंग इक्विपमेंट, तो एक मिनरल है हमारे पास जिसका नाम है आयरन। अब इफ वी आर यूजिंग द कुकिंग इक्विपमेंट, द आयरन इज माइग्रेट फ्रॉम द कुकिंग इक्विपमेंट टूवर्ड्स द फूड। जो आप कुकिंग के इक्विपमेंट यूज करते हैं फूड प्रोसेसिंग के अंदर, आयरन वहां से ड्रेन होगा और कहां आ जाएगा, फूड पार्टिकल्स के अंदर। तो फूड पार्टिकल्स के अंदर आयरन की बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज कर देगी। इट इज अ वन एग्जांपल हमारे पास आगे फूड प्रोसेसिंग की। सेकंड, हमारे पास कुछ हम लोग फूड के अंदर प्रोसेसिंग के दौरान फूड एडिटिव्स यूज करते हैं। जो फूड एडिटिव्स होते हैं वो अब क्या करते हैं, दे यूज द मिनरल्स विच इज प्रेजेंट इन द फूड, लाइक कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, इनको यूज करेंगे। फूड एडिटिव्स किन को यूज करेंगे, कैल्शियम को प्लस फॉस्फोरस को। फूड के अंदर से इनको यूज करेंगे और हेल्प करेंगे। फूड एडिटिव्स ने तो कलर वगैरह उसका एनहांस करना था, दे आर हेल्पफुल टू मेंटेन द टेक्सचर ऑफ द फूड। टेक्सचर मेंटेन करेंगे और इसके अलावा ऑफकोर्स फ्लेवर उसका एनहांस कर देंगे। तो फूड प्रोसेसिंग के अंदर इफ यू आर यूज द स्पेसिफिक इक्विपमेंट, इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर मिनरल्स इन द फूड। सेकेंडली, सम एडिटिव्स इफ वी एड इन द फूड, तो फूड में से कैल्शियम और फॉस्फोरस को यूज करेंगे टेक्स्चर मेंटेन करने के लिए और फ्लेवर के लिए। इसी तरह कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनको हम लोग प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो फूड को प्रिजर्व कर लेते हैं, लाइक सोडियम, सोडियम क्लोराइड, टेबल साल्ट हमारा, इट इज यूज टू प्रिजर्व द फूड। तो जिस फूड में ज्यादा होगा NaCl प्रिजर्व फूड के अंदर, तो उसके अंदर इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। तो दिस इज द लिंक के कुकिंग मेथड फूड प्रोसेसिंग कैसे कोरिलेट करती है। ओके, देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हमें डिस्कस करना है कि कैसे मिनरल्स रेडी होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। हमने पहले डिस्कस किया इफ वी आर कंज्यूमिंग द बैलेंस और कंप्लेक्स डाइट, ऐसी डाइट जिसके अंदर फूड आइटम्स दोनों सोर्सेज से आ रहे हैं, प्लांट से भी और एनिमल से भी, तो देन दैट फूड सप्लाई द इनफ अमाउंट ऑफ मिनरल्स, इनफ अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। इसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, बट द मिनरल्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स फूड, इसकी जो अवेलेबिलिटी है, इसके डिफरेंट फैक्टर्स भी हैं और इसके साथ बॉडी के अंदर कितनी कैपेसिटी है इस मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की, इट्स आल्सो डिपेंड कि कितना मिनरल एब्जॉर्ब हो गया है। एब्जॉर्प्शन इज डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी, ओके, कितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो दे आर द मेनी फैक्टर जो कि डिपेंड करते हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड कितनी है आपकी बॉडी को, तो फिजियोलॉजिकल नीड कह देंगे।
सेकंड जो अभी हमने डिस्कस किया था बायो अवेलेबिलिटी, थर्ड वन हमारे पास आ गया नॉन मिनरल सब्सटेंस जो कि प्रेजेंट होगा. तो दीज फैक्टर कोरिलेट कि कितना मिनरल्स बॉडी ने एब्जॉर्ब करना है. व्हेन यू आर टेकिंग द कॉम्प्लेक्स फूड आइटम तो उसके ऊपर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऐड हो जाएंगे जितने भी हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशन है या इंटेस्टिनल सिक्रीशन है. ऑल द डाइजेस्टिव जूसेस अटैक ऑन द कॉम्प्लेक्स फूड. अगर कार्बोहाइड्रेट है तो अमाइलेज एंजाइम चाहिए, अल्फा अमाइलेज है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, माल्टेज वगैरह, तो वहां से हमारे पास मिनरल्स फ्री फॉर्म में आ जाएंगे. इफ वी आर टेकिंग द प्रोटीन बेस्ड डाइट तो उसके लिए हमें पेप्सिन चाहिए होगा, उसके बाद पैनक्रियाटिक एंजाइम, ट्रिप्सिन वगैरह, कीमोट्रिप्सिन चाहिए, तो उसके बाद हमारे पास फ्री फॉर्म ऑफ मिनरल्स मिल जाएंगे. एंड इफ वी आर टेकिंग द प्रोटीन तो लाइपेज एंजाइम चाहिए. तो यहां मैं लिस्ट करती हूँ, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के ऊपर रिएक्ट करेंगे, पेप्सिन और रिमेनिंग और भी जो हमारे पास एंजाइम है वो प्रोटीन पे रिएक्ट करेंगे, और फैट के लिए वी हैव द लाइपेज. मेजरली दीज आर द मेजर एंजाइम रिक्वायर फॉर द डाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट डाइजेशन के लिए. जैसे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स डाइट खाएंगे ये तमाम कैटेगरीज अपने अपने मिनरल्स के ऊपर अटैक करेंगी और उनको डिवाइड कर देंगे फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर. जैसे ही सिंगल जॉइंट मिलेगा उसके साथ हमारे पास मिनरल्स और विटामिंस अवेलेबल हो जाएंगे. तो जो मिनरल्स हैं व्हेन आफ्टर डाइजेशन इट इज रेडी फॉर द एब्जॉर्प्शन. तो एब्जॉर्प्शन इज डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर. तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजिकल नीड क्या होती है. फॉर आर मिनरल्स एट अ टाइम ऑफ द कंजम्पशन जब आप उस मिनरल्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन उसकी नीड कितनी है आपकी बॉडी को. लेट्स सपोज इन द फीमेल स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर लाइक प्रेगनेंसी के अंदर वी रिक्वायर द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द आयरन. उस टाइम बॉडी की नीड ज्यादा होती है. व्हेन द नीड इज हाई जितनी ज्यादा उसकी नीड होगी उतना ही ज्यादा आयरन आपका बॉडी में एब्जॉर्ब होगा तो एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज कर देगी. तो फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि बॉडी की एट दैट टाइम क्या नीड है. इन प्रेगनेंसी वी रिक्वायर द डबल अमाउंट ऑफ द आयरन. तो नीड्स इंक्रीज की व्हेन यू आर टेकिंग इन द रिकमेंडेड अमाउंट तो एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगी. अगर आपकी बॉडी को नीड नहीं है तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगी. ओके तो ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड आ गया. सेकंड वी हैव द बायोलॉजिकल फैक्टर. बायोलॉजिकल फैक्टर को पहले भी हमने डिस्कस किया कि कितना हमारे पास मिनरल डाइजेशन के बाद बॉडी को अवेलेबल है टू परफॉर्म द फंक्शन. तो बायो अवेलेबिलिटी इज अ सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द बॉडी इन विच इट्स एबल टू एब्जॉर्ब द मिनरल्स. द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल्स कैन बी ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द मैनी फैक्टर. तो बायो अवेलेबिलिटी को आगे हम लोग दो फैक्टर्स में करेंगे डिस्कस. फर्स्ट वो फैक्टर जो कि इन्हांस करते हैं बायो अवेलेबिलिटी, सेकेंड वो जो इसको बाइंड कर लेते हैं, इनहिबिट्स कर देते हैं इसकी बायो अवेलेबिलिटी को. तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बिकॉज मैनी मिनरल्स हैव द सिमिलर मॉलिकुलर वेट एंड द वैलेंसी व्हेन वी आर कंज्यूमिंग ऑल द मिनरल्स एट अ वंस टाइम. लेट्स सपोज हमने कुछ मिनरल्स एक ही सिटिंग में खा लिए जिसमें हमारे पास आ जाता है आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम और हम लोग इनको ले रहे हैं अबंडेंट फूड सोर्सेज से. ठीक है, कैल्शियम डेयरी प्रोडक्ट में प्रेजेंट है अबंडेंट, लेकिन माइनर क्वांटिटी मैग्नीशियम की भी होगी. बट इफ वी आर टेकिंग कैल्शियम फ्रॉम द डेयरी प्रोडक्ट एंड मैग्नीशियम फ्रॉम द अदर फूड सोर्सेज, या हम यूं कर लें कि हम कैल्शियम भी सप्लीमेंट से ले रहे हैं और मैग्नीशियम भी सप्लीमेंट से और आयरन भी, तो एवरीथिंग इज टेकिंग इन द अबंडेंट फॉर्म. तो इस फॉर्म में इन तमाम मिनरल्स का
मॉलिकुलर वेट भी सेम है, वैलेंसी भी इनकी प्लस टू है, तो ये तमाम मिनरल्स एक दूसरे के साथ कंपीट करना स्टार्ट कर देंगे कि आया आई एम गोइंग टू फर्स्ट फॉर द एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इन तमाम मिनरल्स का मॉलिकुलर वेट भी सेम है और वैलेंसी भी सेम है। तो ऐसे मिनरल्स जिनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स सेम्स हैं उनको हम लोग ट्राई करते हैं कि उनका न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन ना हो, मिनरल्स एक दूसरे के साथ कंपीट ना करें कि किसको ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए। तो ये तमाम मिनरल्स आ जाएंगे इसके साथ। सेकंड और कौन सा फैक्टर हो सकता है जो इसको आप इनहिबिट करता है, इसको जरा देख लेते हैं। हमने कहा नॉन मिनरल सब्सटेंसेस विच इज प्रेजेंट नेचुरली इन द फूड, कुछ फूड आइटम्स के अंदर नॉन मिनरल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं डाइट में ही, तो वो क्या करते हैं, वो मिनरल्स को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं। जब मिनरल्स को अपने साथ बाइंड करेंगे तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि डाइट में प्रेजेंट होते हैं इनको मोस्टली कहते हैं फाइटेट, फाइटेट या फाइटिक एसिड, देन ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सैलेट, और थर्ड वन हमारे पास पॉलीफिनोल। तो ये ऐसे नॉन मिनरल सब्सटेंसेस हैं, अगर हम लोग इनकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा कर देंगे, और दीज ऑल केम फ्रॉम, इनमें से जो फाइटेट है वो फाइबर से लेते हैं हम लोग ज्यादा, जो पॉलीफिनोल्स की फॉर्म है वो टी से, डार्क चॉकलेट से, वहां से ऑब्टेन की जाती है। ऑक्सैलो एसिटेट जो है वो आपको मोस्टली ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा। तो फाइटेट फाइबर से मिलता है, ऑक्सैलो एसिटेट लीफी वेजिटेबल में ज्यादा होता है, पॉलीफिनोल जो सा है ये हमारे पास चॉकलेट्स में और टी वगैरह में ज्यादा होता है। तो ऐसे सब्सटेंस और इनकी कंजम्पशन हम रिक्वायरमेंट से ज्यादा कर देंगे तो ये क्या करेंगे, मिनरल्स को अपने साथ बाइंड करवाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से मिनरल्स की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इनके लिए भी प्रॉपर रिकमेंडेशन है कि फाइबर कितना कंज्यूम करना है, या आपने पॉलीफेनोल, इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं फ्लेविनाइड्स वगैरह, कौन कौन सी रिकमेंडेशन है जो कि इसके लिए जरूरी है। तो अगर फाइटेट की बात करें तो मोस्टली इट इज प्रेजेंट इन द व्हीट ब्रैन, व्हीट के अंदर हाई फाइबर फूड के अंदर प्रेजेंट है, तो यू शुड कंज्यूम द फाइबर इन द एडिक्वेट अमाउंट, ताकि हम लोग इसका जो इनहिबिट वाला फैक्टर है उसको मिनिमाइज कर सकें। इसी तरह ऑक्सैलो एसिटेट हमने पहले भी डिस्कस किया, इट इज नेचुरली प्रेजेंट इन द ग्रीन लीफी प्लांट सोर्सेज, इट बाइंड विद मैनी मिनरल्स एंड डिक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल्स। तो ये क्या करेंगे, उसकी बायो अवेलेबिलिटी को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। लाइक अगर बात करें तो स्पिनिश इज अ गुड सोर्स, स्पिनिश के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, लेकिन जो कैल्शियम है स्पिनिश के अंदर वो बायो अवेलेबल बहुत कम है, ओनली 5% कैल्शियम इज बायो अवेलेबल फ्रॉम द स्पिनिश, बिकॉज स्पिनिश में ऑक्सैलिक एसिड बहुत ज्यादा है, तो ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सैलेट की वजह से कैल्शियम ऑक्सैलेट के साथ बाइंड कर लेता है और उसकी बायो अवेलेबिलिटी सिर्फ 5% रहती है। ओके, लास्ट हमारे पास आते हैं पॉलीफिनोल। जो पॉलीफिनोल है इसको हम थोड़ा सा अगर देखें, इसके अंदर दो रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, केमिकल अगर स्ट्रक्चर देखें तो टू रिंग लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट विच हैव द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जो पॉलीफिनोल है वो बहुत से मिनरल्स की बायो अवेलेबिलिटी कम करता है, नेचर इट इज प्रेजेंट इन द टी चॉकलेट सम बीन्स एंड द ग्रेप्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हमें सर्विंग साइज के अकॉर्डिंग लेनी है, इफ यू आर कंज्यूमिंग द ग्रेप्स तो जो फ्रूट्स की सर्विंग है उसी के अंदर उसको ऐड करना है और उतनी रिक्वायरमेंट कंज्यूम करनी है प्रॉपर फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए। सेकेंडली इसके और बहुत से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, इफ यू आर कंज्यूमिंग इन द लिमिटेड अमाउंट तो सम हैव द फ्लेविनाइड्स विच प्रिवेंट द कैंसर एंड अदर हार्ट डिजीजेस। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि इनहिबिट कर रहे हैं किस चीज को, मिनरल्स की बायो अवेलेबिलिटी को। बायो अवेलेबिलिटी को कम करने के लिए सबसे पहला फैक्टर हमारे पास था
मिनरल्स मिनरल्स का इंट्रैक्शन, इफ वी आर कंज्यूमिंग टू मच मिनरल्स फ्रॉम द सप्लीमेंट्स और फोर्टिफाइड फूड आइटम, तो दे आर आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट काम करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से उनकी अपनी बायो अवेलेबिलिटी कंप्रोमाइज होना स्टार्ट कर देगी. सेकेंड, सम नॉन मिनरल सब्सटेंसेस जो कि इसको इनहिबिट करते हैं. तो ऑल दीज फैक्टर आर द कैटेगराइज इन फॉलोइंग इन द लिस्ट जो कि इनको इनहिबिट कर रहा है. सेकेंड, वो फैक्टर्स जो कि बायो अवेलेबिलिटी को इनहांस करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर होंगे इनको इनलिस्ट कर देते हैं. मिनरल की बायो अवेलेबिलिटी इज आल्सो इनहांस बाय द सम विटामिन्स. इनहांसिंग फैक्टर्स कौन से होंगे जो कि इंक्रीज करते हैं किसको, बायो अवेलेबिलिटी को. तो टेकिंग द मिनरल्स विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम विटामिन्स, ये इसको इनहांस कर देगा. स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस या एसिडिटी, एसिड इन्वायरमेंट स्टमक का, वो इसको इनहांस कर देगा. अभी कैसे करेगा इसको हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमने कहा कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जो कि मिनरल्स की बायो अवेलेबिलिटी को इनहांस करते हैं. वी हैव द एग्जांपल, इफ वी कंज्यूम द विटामिन सी विद आयरन, विटामिन सी विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन, तो विटामिन सी जो सा है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को इनहांस कर देगा. If both are consuming the same meal, या आप यूं कहते हैं कि आयरन रिच डाइट ली, तो आयरन रिच डाइट के साथ विटामिन सी का सप्लीमेंट ले लें तो एक दूसरे को इनहांस कर देगा. सेकेंड, विटामिन डी थ्री, एक्टिव फॉर्म विटामिन डी थ्री इनहांस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द कैल्शियम. ओके, तो दीज थिंग्स आर कंसिडर टू इनहांस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स. उसके साथ गैस्ट्रिक एसिड क्या करेगा, आल्सो प्रमोट द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द मैनी मिनरल्स. HCl बेसिकली स्टमक में प्रोड्यूस होता है जो कि मिनरल्स को ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, को इजिली डिजोल्व होना स्टार्ट कर देते हैं. तो व्हेन द मिनरल्स आर इजिली डिजोल्विंग इन द गैस्ट्रिक जूस, तो इट्स कन्वर्ट देम टू द मोस्ट बायो अवेलेबल फॉर्म. जितनी ज्यादा डिजोल्विंग एबिलिटी होगी उतना इजीली वो मिनरल्स बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्ब्ड होगा. जितना इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब्ड होगा उतनी जल्दी बॉडी के लिए वो अवेलेबल है टू परफॉर्म द फंक्शन. तो मिनरल्स की डिजोल्विंगनेस को ज्यादा कर देगा HCl. व्हेन द डिजोल्विंग करेक्टरिस्टिक ऑफ द मिनरल इज हाई, तो मिनरल्स आर इजिली एब्जॉर्ब, जब ये इजिली एब्जॉर्ब हो जाएंगे देन इट इज रेडी टू परफॉर्म द फंक्शन. लाइक हमारे पास आयरन कंज्यूम करते हैं और आयरन इज प्रेजेंट इन द स्टमक इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन. फेरिक आयन के फॉर्म में हमारे पास आयरन प्रेजेंट है. गैस्ट्रिक जूस इस पे रिएक्ट करेगा, इसको डिसॉल्व करेगा और प्रोड्यूस करेगा फेरस आयन. फेरस आयन्स जो से हैं वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट कर देंगे. तो दीज आर द सम पॉइंट्स जो कि इनहांस कर देते हैं मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को. वंस द मिनरल्स आर एब्जॉर्ब, जैसे ही मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे इट इज रेडी टू ट्रांसपोर्ट. ओके, मिनरल्स ट्रेवल इन द ब्लड आइदर इन द फ्री फॉर्म, अब एब्जॉर्प्शन के बाद मिनरल्स ने अब ट्रांसपोर्ट करना है ब्लड में, आइदर इन द फ्री फॉर्म और इट्स माइट बी बाइंड सम प्रोटीन, कुछ प्रोटीन के साथ भी बाइंड कर सकते हैं, और व्हेन इट इज ट्रेवल इन द सेल तो कुछ सेलुलर प्रोटीन को भी इस्तेमाल करेंगे. तो ये हमारे पास मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन आ गई और ट्रांसपोर्ट आ गई. मिनरल्स प्राइमरली एक्सक्रीटेड कैसे होते हैं, एक्सक्रीशन का अगर इसका प्रोसेस देखा जाए तो एक्सक्रीशन के लिए प्राइमरली इट्स यूज द यूरिन. तो मिनरल्स मोस्टली किडनी से होते हुए इसको फंक्शन करेगी परफॉर्म और यूरिन से निकल जाएंगे. अगर तो कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन लैब वैल्यू में बहुत ज्यादा आई ड्यू टू द एनी डिजीज प्रॉब्लम, मोस्टली किडनी डिजीज के अंदर
ऐसे होता है कि मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा आना स्टार्ट कर देती है, फिर हम क्या करते हैं डाइट से उनका इनटेक कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द मिनरल्स। नेक्स्ट फंक्शन क्या है मिनरल्स के, बेसिकली मिनरल्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल, बहुत कंसिडर किए जाते हैं मिनरल्स के फंक्शन को, वाटर बैलेंस करता है, वाटर बैलेंस के लिए, अगर वाटर बैलेंस की बात करें तो फॉर वाटर बैलेंस वी रिक्वायर सम मिनरल, जिसके अंदर सोडियम है हमारे पास, पोटाशियम है, कैल्शियम है और फॉस्फोरस है। और उसके साथ ये आ गया देन नर्व ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व, इसके लिए जो मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं वो कौन कौन से हैं, सोडियम, सोडियम वाटर बैलेंस भी कर रहा है, नर्व को भी ट्रांसफर कर रहा है, सोडियम है हमारे पास और इसके साथ पोटाशियम है और देन वी हैव द कैल्शियम। तो हम फंक्शन लिस्ट कर रहे हैं वाटर बैलेंस में, दीज मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर नर्व ट्रांसमिशन, दीज थ्री मिनरल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। उसके अलावा सम केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने एंजाइम और कोफैक्टर का मैकेनिज्म पढ़ा, तो एज अ कोफैक्टर जब काम करते हैं, कोफैक्टर के लिए जो मिनरल्स चाहिए उनके नाम है हमारे पास मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक एंड सिलीनियम, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द एक्ट एज अ कोफैक्टर एंड इनेबल, दीज कोफैक्टर इनेबल द एंजाइम टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन। उसके अलावा फोर्थ फंक्शन में मिनरल्स का देखें तो वो फंक्शन क्या है, फोर्थ वन कि इट्स आल्सो कॉन्ट्रीब्यूट मैनी बॉडी कंपाउंड्स, बॉडी कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो बॉडी कंपाउंड्स के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट है। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, आयरन इज रिक्वायर्ड, आयरन इज अ ट्रेस मिनरल विच इज रिक्वायर्ड, किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है, फॉर द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए हमें आयरन रिक्वायर्ड है। देन इसके अलावा अगर देखें तो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए, बोन्स वगैरह के लिए कैल्शियम चाहिए और कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फोरस चाहिए और मैग्नीशियम चाहिए, ऑल दीज मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। तो दीज थिंग्स आर देयर द वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ द मिनरल्स विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू परफॉर्म द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। बेसिकली मिनरल्स की डेफिशिएंसी जहां ज्यादा होती है, अगर यू आर कंज्यूमिंग द सम स्पेसिफिक फूड ग्रुप रिस्ट्रिक्टेड डाइट, तब इसकी डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज्यादा होंगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन खुराक में कम होना स्टार्ट कर देगी। वो कौन से मिनरल्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी मोस्टली एग्जिस्ट करती है, आयरन, जिंक, आयोडीन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी डेफिशिएंसी मोस्टली एग्जिस्ट करती है, इनके चांसेस ज्यादा हैं डेफिशिएंट होने के। अगर इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें तो टॉक्सिसिटी एक अपना भी इसका कंट्रीब्यूशन होगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। सेकेंडली हमने पहले भी डिस्कस किया कि दूसरे मिनरल्स की बायो अवेलेबिलिटी ये कम कर देगा। तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस, हाई इनटेक ऑफ द वन मिनरल्स कैन हिंडर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द अदर मिनरल्स। तो दीज आर द पॉइंट वी आर कंसिडर्ड व्हेन वी प्लान द डाइट, कि हमने कौन सी खुराक देनी है जिसके अंदर तमाम मिनरल्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। तो हमारे पास जो मेजर मिनरल्स हैं जो अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए, उसकी एग्जाम्पल है कैल्शियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, देन वी हैव द सल्फर, सोडियम, क्लोराइड।
और मैग्नीशियम, दीज आर द मेजर मिनरल। और ट्रेस मिनरल हमने अभी बहुत दफा इसको डिस्कस भी कर लिया, जो कि आपको 100 मिलीग्राम से कम चाहिए या इनकी कॉम्पोजिशन बॉडी में 1 मिलीग्राम से कम और 4 ग्राम के रेंज के अंदर फॉल करे। तो आयरन है हमारे पास ट्रेस मिनरल, कॉपर है और आयोडीन है, जो कि न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम एंड क्लोराइड, आयरन, कॉपर एंड आयोडीन आर द ट्रेस मिनरल्स। दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ मिनरल्स, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया इन तमाम फैक्टर को। इट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।